एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं कैसे अपनी पुरानी साड़ीज़ को स्टाइल करती हूं, क्या चीज़ें हैं जिनको मैं ध्यान में रखती हूं पुरानी साड़ी को जब भी मैं रीस्टाइल करती हूं, दोबारा से रिपीट करती हूं। सो आज मैं अपनी ना बहुत ही पुरानी वाली साड़ी एक शेयर करूँगी आपसे, उसका लुक आपसे शेयर करूँगी। ये साड़ी 10 साल पुरानी है और मेरी शादी की साड़ी है। शादी में मैंने अपने ज़्यादा साड़ीज़ नहीं ली थी, बट ये इन लॉज की तरफ से मुझे आई थी और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी। दिस इज़ द साड़ी, ब्लू कलर में है, नीचे इसमें ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, कलरफुल थ्रेड्स की एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वन वर्क है, तो काफ़ी हैवी साड़ी है ये, पूरा इस तरह से इसमें भरा भरा काम है एंड काफ़ी कलरफुल है। तो तब तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की साड़ीज़ मिलती थी मार्केट्स वगैरह में एंड मुझे भी बहुत पसंद आई थी ये साड़ी। शादी के बाद मैंने इसको काफ़ी पहन लिया है, वैसे कई बार मैं इसको पहन चुकी हूँ शादी फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में, अपने करवा चौथ पे बार मैंने पहनी थी, तो इस साड़ी को मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। बट अब ऐसी साड़ीज़ का ना इतना ट्रेंड नहीं है, इतनी ब्लिंगी साड़ीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती हैं अभी, और बहुत ज़्यादा कलर्स भी हैं इसमें, तो काफ़ी यू नो हैवी लुक आता है इस साड़ी का। तो आज मैं इस साड़ी को आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि अगर इस तरह की आपके पास कोई साड़ी है, काफ़ी हैवी वर्क में, कलरफुल है, काफ़ी बहुत ही ब्लिंगी है, तो उसको आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं। दिस इज़ अ नेट फैब्रिक। नेट फैब्रिक की साड़ीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर अच्छी लगती हैं ऐसी साड़ीज़। बहुत से लोग नेट फैब्रिक की साड़ीज़ कम प्रेफर करते हैं एंड आई नो इसमें थोड़ा सा टमी वगैरह दिखता है एंड बॉडी थोड़ी सी यू नो फिट होगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा ब्लाउज़ स्टाइल चेंज करके या फिर अपने पल्लू लेने का स्टाइल चेंज करके अपनी नेट साड़ीज़ को भी फ्लॉन्ट कर सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके पास कोई नेट साड़ी है तो आप ज़रूर इस करवा चौथ या फिर किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे उसको रिपीट करके, रीस्टाइल करके ज़रूर पहनना। तो सबसे पहले बात करते हैं पेटीकोट की। तो इसके साथ ना बहुत ही शिमरी फैब्रिक आया था पेटीकोट के लिए, ब्लू कलर में, बहुत ही शिमरी फैब्रिक, वो उस टाइम पे तो अच्छा लग रहा था बट अभी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो वाला पेटीकोट तो उसके साथ नहीं पेयर करने वाली थी। तो मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ था, ये मैंने काफ़ी पहले ही स्टिच करवा लिया था एक्चुअली, ये फैब्रिक था मेरे पास। सो इसमें ये सेल्फ वर्क वाला ये फैब्रिक है ब्लू कलर में, सो मैंने ये ना पहले ही इसको स्टिच करवा लिया था, मैंने जब भी इस साड़ी को पहना है इस पेटीकोट के साथ ही पहना है। वो शिमरी वाला जो पेटीकोट था वो मैंने इसके साथ नहीं पेयर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी लुक आ रहा था। सो इसकी थोड़ी शाइन को सेटल डाउन करने के लिए मैंने इस फैब्रिक में ये पेटीकोट स्टिच करवाया। मेरे पास ये ऑलरेडी फैब्रिक था तो इसलिए मैंने ये स्टिच करवाया, अदरवाइज आप प्लेन सिंपल कॉटन मटेरियल में या फिर सिल्क मटेरियल में, थोड़ा सा मैट फिनिश जिसमें होती है, जिस फैब्रिक में कोई शाइन नहीं होती, उस फैब्रिक का कोई मटेरियल आप लेकर सेम कलर में उसको डाई करवा सकते हैं या फिर सेम कलर में उसको लेकर आप स्टिच करवा लीजिए। जितनी भी नेट साड़ीज़ हैं उनके साथ विदाउट शाइन वाला मटेरियल जो होता है उसमें आप पेटीकोट स्टिच करवाइए, वो शाइन वाले फैब्रिक अब अच्छे नहीं लगते हैं। सो अगर आपके पास नेट साड़ी है और आप उसको रीस्टाइल करना चाहते हो तो ये एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, उसका पेटीकोट आप चेंज कर दीजिए। सो मैंने इसको फिश कट स्टाइल में स्टिच करवाया है, लाइक ऊपर से थोड़ा सा फिटिंग दी है, नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर ऐड किया है। कोई भी टेलर इजीली स्टिच कर देते हैं इस तरह के पेटीकोट, बस आप उनको थोड़ा सा बता दो। तो मैंने साइड में ना यहाँ पर हुक्स लगवाए हैं और इसमें ये ड्रॉ स्ट्रिंग लगवाया है, तो आप इसको अच्छे से एक पेटीकोट की तरह यू नो टाइट करके पहन सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से अपनी साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं। फिर मैं इसके साथ पहले सोच रही थी कि मैं साड़ी शेपवेयर पहनूंगी, लेकिन मेरे पास ब्लू कलर का कोई शेपवेयर नहीं है क्योंकि साड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो बिल्कुल मैचिंग का पेटीकोट होना चाहिए। मेरे पास ब्लैक कलर में था, मैंने सोचा मैं ब्लैक कलर का पहनती हूँ, बट वो ब्लैक कलर से तो साड़ी का पूरा कलर ही चेंज हो गया। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं ब्लू कलर का ही पेटीकोट इसके साथ पेयर करती हूँ। सो इसका जो ब्लाउज है वो कुछ इस तरह से है, ब्लू कलर में ही है और इसमें ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके नेक पे और लटकन्स वगैरह लगी हुई हैं। अब ये ब्लाउज मुझे फिट नहीं होता है, काफ़ी टाइट है ये, उस टाइम पर भी मुझे काफ़ी टाइट आई थी इसकी फिटिंग, तो मैंने थोड़ा सा अंदर से इसको खोल के एडजस्ट करके पहन लिया था, बट अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मुझे इसके साथ दूसरा कोई ब्लाउज चाहिए था। ब्लू कलर तो इसके साथ जाएगा ही जाएगा, प्लस इसमें ग्रीन कलर है, रेड कलर है, तो ये कलर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये ग्रीन कलर में एक टॉप था, तो मैंने सोचा इसको मैं इसके साथ पेयर करती हूँ, बट ग्रीन एंड ब्लू कुछ इतना ज़्यादा ना अच्छा नहीं लग रहा था। देन आई डिसाइडेड कि मैं ये रेड कलर का जो मेरा क्रॉप टॉप है इसको मैं पेयर करती हूँ, क्योंकि साड़ी में रेड कलर काफ़ी खिल के आ रहा है, तो रेड कलर का ब्लाउज इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ब्लाउज मुझे अच्छे लगते हैं बिल्कुल सिंपल नेक डिज़ाइन में, जैसे इसका नेक डिज़ाइन है स्क्वायर नेक में है, थोड़ा सा ब्रॉड है, इस तरह के नेक लाइंस ना मुझे कुर्तीज़ में, ब्लाउजेज में अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले डिज़ाइंस या फिर कटिंग वाले, बहुत ज़्यादा जिसमें यू नो पैटर्न्स वगैरह होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, उस तरह के ब्लाउजेज नेकलाइंस मैं कम प्रेफर करती हूँ। सो इस साड़ी के साथ मैंने इस क्रॉप टॉप को चूज़ किया एज अ ब्लाउज। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड फॉर एवर न्यू, मैं इसका लिंक दे दूँगी, मैंने शायद इसको अमेजोन या मिंत्रा से कहीं से लिया था।
अभी तो ये शायद स्टॉक आउट हो गया है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी अगर ये स्टॉक में हुआ तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही प्यारा टॉप है एंड मैं इसको एज अ ब्लाउज आई डोंट नो कितनी बार पहन चुकी हूँ। बहुत सारी साड़ीज़ मैं अपने इस क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ। सो दिस इज़ द ब्लाउज फॉर दिस साड़ी। नाउ इसके साथ जो मेकअप है ना वो भी मैंने बहुत सटल रखा है, सिर्फ लिप्स को रेड रखा है, बाकी मैंने पूरा न्यूट्रल रखा है। आई शेडो मैंने एकदम न्यूट्रल लगाया है, मैंने आईज़ में ब्राउन शेड्स यूज़ किए हैं और थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने, थोड़ा सा ब्लैक कलर को मैंने ऐड किया है अपने क्रीज लाइन में, एक वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए आईज़ में। एंड गोल्डन शेड मैंने यूज़ किया है अपनी पूरी आईलिड पे एंड बस आईलाइनर लगा के मैंने अपने आई लुक को कंप्लीट किया है। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, कोई भी कलर्स ऐड नहीं करे अपने आईज़ में। नाउ अब आईज़ पे मैंने कलर्स ऐड नहीं करे हैं तो अब मैं लिप्स पे कलर्स ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने लिपस्टिक को रेड में रखा है। अगर मैं आई शेडोज में कलर्स यूज़ करती लाइक ब्लू या फिर रेड कोई कलर यूज़ करती ना तो मैं लिप्स पर फिर न्यूड शेड को ही अप्लाई करती, नॉर्मल कोई न्यूड शेड लगा लेती तो उससे बैलेंस हो जाता मेरा जो मेकअप लुक है। सो मेकअप का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हम ऐसी हेवी शिमरी साड़ीज़ पहनते हैं तो मेकअप को बहुत सटल रखना है। एक चीज़ को हाईलाइटेड रखिए, या तो लिप्स या फिर आईज़। ऑल्सो नेल पेंट मैंने अपना ये फ्रेंच मैनिक्योर किया है, हमेशा की तरह मैं यही रखती हूँ। ज़्यादातर मैं कोई कलर्स वाले नेल पेंट्स कम ही लगाती हूँ, वो मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं। इस साड़ी के साथ मैं रेड नेल पेंट वगैरह लगा सकती थी बट अगेन मुझे इतने सारे कलर्स भी नहीं चाहिए थे। सो थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मैंने अपनी नेल पेंट को कलर्ड नहीं रखा, मैंने फ्रेंच मैनिक्योर किया एंड बहुत ही अच्छा और क्लासी लग रहा था इसके साथ। नाउ कमिंग टू ज्वेलरी, नाउ ज्वेलरी के लिए डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन के लिए साड़ी को पहन रहे हैं। लाइक अगर मैं इस साड़ी को करवा चौथ के लिए पहनती हूँ तो मैं सिंपल ज्वेलरी पहनना इसके साथ प्रेफर करूँगी, बट अगर मैं किसी वेडिंग फंक्शन में जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो वहाँ पर हैवी लुक चाहिए। तो पहले करवा चौथ लुक की बात कर लेते हैं। अगर करवा चौथ के लिए मैं साड़ी पहनती हूँ या फिर कोई फेस्टिवल के लिए पहनती हूँ लाइक दिवाली पे अगर मैं पहनती हूँ तो मैं सिर्फ इसके साथ ये वाले इयररिंग्स पेयर करूँगी। ग्रीन कलर के ये स्टोन इयररिंग्स हैं, बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं। बस मैंने इसको ऐड किया है इस पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए एंड गले में सिंपल सी बस एक चेन डाली है एंड दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल लुक। हाथ में मैंने वॉच पहन ली, रिंग पहन ली एंड बस, और कोई ज्वेलरी मैंने ऐड नहीं करी है। सो ये पहला लुक है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल भी नहीं है, नो कि बहुत ही सिंपल साड़ी पहन ली है, हैवी लुक भी है एट द सेम टाइम। आप किसी भी फेस्टिव ओकेजन में पहन सकते हैं, आप अपने करवा चौथ वगैरह पे पहन सकते हैं, आपकी एनिवर्सरी है आपको वहाँ पर कोई हैवी साड़ी पहननी है वहाँ पहन सकते हैं, या फिर शादी के कोई छोटे मोटे फंक्शन होते हैं जैसे कि सगाई वगैरह है या फिर कॉकटेल पार्टी है आप उसमें पहन सकते हैं। हैवी लुक चाहिए, आप वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं एज अ वेडिंग गेस्ट, आपको थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए, आपके घर की शादी है, आपको अपनी पुरानी साड़ी को भी पहनना है बट एक सटल लुक भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम बहुत ही सिंपल भी नहीं चाहिए, तो इसके साथ आप थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी भी पेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके साथ ये वाला नेकलेस ऐड किया है, काफ़ी हैवी नेकलेस है, बहुत ज़्यादा ब्लिंगी नहीं है, कुंदन में है क्योंकि ये बीड्स इसमें लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा यू नो ब्लिंगी नहीं है बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हैवी लुक दे रहा है। इसके साथ जो मैंने इयररिंग्स पेयर किए हैं वो ये सिंपल स्टड इयररिंग्स पेयर किए हैं। नाउ अगर आपने नेकलेस थोड़ा सा बड़ा पहना है, हैवी पहना है ना, तो अपने इयररिंग्स को आप हमेशा छोटा ही रखिए, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेंगे ना तो वो फिर इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि हैवी नेकलेस पहनो एंड उसके साथ छोटे इयररिंग्स पहनो ना, क्योंकि शादी फंक्शन में मैं ये साड़ी पहन रही हूँ तो थोड़ा सा इतना हैवी लुक तो बनता है। बट येस, आपको अपनी ज्वेलरी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है पूरे लुक को अच्छा क्लासी दिखाने के लिए, मेक श्योर कि अपनी ज्वेलरी को थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करें। नाउ कमिंग टू बैंगल्स, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ये जड़ाऊ कंगन पहना है अपने हाथ में एंड एक हाथ में मैंने वॉच पहनी है एंड बस, और कोई ज्वेलरी मैंने इसके साथ नहीं पहनी। दिस इज़ द ओनली ज्वेलरी विच आई हैव पेयर्ड विद दिस साड़ी। बट स्टिल अगर आपको चाहिए कि आपको चूड़ियाँ ही पहननी है, लाइक होता है कहीं जगह पर कि आपको चूड़ियाँ पहननी होती हैं अपनी साड़ी पे, तो आप रेड कलर की बैंगल्स पहन सकते हैं। जैसे रेड कलर का मेरा ब्लाउज है तो मैंने अपने ब्लाउज को मैच करते हुए रेड कलर की बैंगल्स सिर्फ यहाँ पर पेयर की हैं, आगे पीछे मैंने कुंदन की बैंगल्स को ऐड कर दिया है एंड ये जो सेट बनके तैयार हुआ ना ये बहुत प्यारा लग रहा था इस साड़ी के साथ, काफ़ी सटल लुक आ रहा था और काफ़ी भर के चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली, अच्छा लग रहा था ओवरऑल लुक। ना जब मैं चूड़ियाँ मैच कर रही थी ना तो क्योंकि इस साड़ी में ग्रीन कलर भी है रेड कलर भी है तो मैंने क्या किया, पहले मिक्स कर दिया चूड़ियों को, रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों मिक्स करके देन आगे पीछे कुंदन वाले कंगन लगाए, तब मैंने पहना तो अच्छा लग रहा था बट इस साड़ी के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने
प्लेन रेड कलर में बैंगल्स पहनी, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे बताओ आप किस तरह से ऐसे पेयरिंग करते हो, लाइक मुझे तो ये रेड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किस तरह की चूड़ियाँ पहनना आप प्रेफर करेंगे, सारे कलर्स जिसमें हों या फिर एक ही कलर वाली? मुझे तो ये रेड एक ही कलर जिसमें है ये ज़्यादा अच्छा लगा, और या फिर मैंने सिर्फ एक जो कंगन पहना वो लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से अपनी चूड़ियों को स्टाइल करती हूँ, अपने ब्लाउज़ के साथ मैं अपनी बैंगल्स को मैच करने की कोशिश करती हूँ, या फिर अपनी ज्वेलरी के साथ पेयर करने की कोशिश करती हूँ। नाउ कमिंग टू एक्सेसरीज, तो मैंने इसके साथ बस ये क्लच बैग अपना कैरी किया है, प्लेन सिंपल गोल्डन कलर में है ये, एंड दैट्स इट। इसमें मेरा फ़ोन भी आ जाता है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैं इसके साथ रख सकती हूँ। सो सिंपल लुक के लिए मैंने बस ये गोल्डन बैग को कैरी किया है इसके साथ। दूसरे कलरफुल बैग्स मैं प्रेफर नहीं करूँगी इस साड़ी के साथ, क्योंकि साड़ी ऑलरेडी बहुत ब्लिंगी है, बहुत कलरफुल है, तो उसको थोड़ा सा सटल लुक देने के लिए गोल्डन क्लच काफ़ी है। एंड इस गोल्डन क्लच में भी ना बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश में है ये। नाउ कमिंग टू हेयर स्टाइल, तो मैंने अपने बालों को स्ट्रेट सिंपल खुला रखा है, बस स्ट्रेट कर लिया अपने बालों को। मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट नहीं है, मैं उनको स्ट्रेट करती हूँ हर एक वीडियो के लिए, लाइक एवरी आफ्टर एवरी वॉश मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती ही करती हूँ। सो यही मेरा रूटीन है, मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ मुझे बाल स्ट्रेट करने ही होते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा यू नो फ्रिजी दिखते हैं। नाउ अपने बालों को मेंटेन करने के लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से मामा अर्थ के शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। अनियन रेंज एंड राइस वाटर रेंज इज़ माय फेवरेट। सो आज मैंने यूज़ की है मामा अर्थ की राइस वाटर रेंज। इसमें सबसे पहले है ये राइस वाटर शैम्पू, देन वी हैव द कंडीशनर, and then we have this hair serum, Mama Earth Rice Wonder Water. So this range is especially for dry and frizzy hair. अगर आपके damaged बाल हैं तो आप इस range को try कर सकते हैं। इसमें है rice water and keratin. So rice water is very good ingredient for our hair. इसमें minerals होते हैं, vitamins होते हैं, जो हमारे बालों की elasticity को बढ़ाते हैं, उसमें shine provide करते हैं and काफ़ी smooth and silky बनाते हैं। Also केराटिन भी हमारे बालों की लेयर को प्रोटेक्ट करता है एंड हमारे बालों को रिपेयर करके उनको मैनेजेबल बनाता है। तो सबसे पहले मैं शैम्पू कर लेती हूँ एंड देन आई यूज़ दी कंडीशनर एंड देन उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये सिरम, विच इज़ माय करंट फेवरेट दीज डेज। तो इसको थोड़ा सा हाथों पे लेके बस नीचे आपको अपने बालों की लेंथ पर इसको लगाना है एंड आपके जो बाल है ना वो बहुत अच्छे से डिटैंगल हो जाएंगे ना, एकदम स्मूथली आप कोम कर पाएंगे। इसको आपको यूज़ करना है शैम्पू और कंडीशनर के बाद, जब आपके बाल आधे सूखे और आधे गीले होते हैं ना। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा अपने बालों में लगा के कोम कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। सो काफ़ी चेंज आया है मेरे बालों की हेल्थ में जब से मैंने राइस वाटर रेंज मामा अर्थ की यूज़ करनी शुरू की है। ऑल्सो उसमें कोई सल्फेट्स वगैरह नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह इसमें नहीं है, तो कोई साइड इफेक्ट्स का ऐसे डर नहीं है, ये कम्प्लीटली सेफ है आपकी बालों के लिए। ऑल्सो अपना इंडियन देसी ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, तो इन केस अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप mamaearth.in पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं और भी प्रोडक्ट्स मामा अर्थ के ट्राई कर सकते हैं। इन केस अगर आप कुछ भी लेते हैं तो आप मेरा कूपन कोड भी ज़रूर से यूज़ कर लेना, Aanchal2021 इज़ माई कोड फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। mamaearth.in पे ही ये कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको दूसरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, Amazon, नाइका, पर्पल, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो आप इनकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर मोर ऑफर्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके गाइस, सो दिस इज माई कम्प्लीट लुक। दोनों ही लुक काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी सटल लुक दे रहे हैं, हैवी ज्वेलरी के साथ भी, कम ज्वेलरी के साथ भी, दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन आपको कौन सा वाला लुक पसंद आया एंड आप अपनी पुरानी साड़ीज़ को कैसे स्टाइल करना पसंद करेंगे। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दो यार कि मैं करवा चौथ के लिए और क्या क्या वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए साड़ी स्टाइलिंग से रिलेटेड, या जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करूँ, करवा चौथ जब तक है तब तक तो मैं ज़रूर एक साड़ी से रिलेटेड वीडियो या फिर करवा चौथ से रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो अच्छे अच्छे सजेशंस आप मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं कमेंट सेक्शन में एंड यस, और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।